जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जमीन दलाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी का सामाजिक धार्मिक जमीन लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कुछ लोग हमारे प्रति गलत एलिगेशन लगा रहे थे, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि वो भी हमारे आदिवासी भाई है, वो हमारे गैर नहीं है। मैं उसे क्षमा करता हूँ दिल से। नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। कल रांची के रामप्यारी हॉस्पिटल स्थित आदिवासी जमीन को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्ष ने अपना अपना बयान दिया। वहीं केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की का कहना है कि आदिवासी जमीन को लूटा जा रहा है और कल जो मेरे पर इल्जाम लगा रहे थे वह भी मेरे आदिवासी भाई हैं। तो आइए सुनते हैं कि और क्या कुछ कहा इन्होंने। कल जिस तरह से आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमारे प्रति गलत एलिगेशन लगा रहे थे, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि वो भी हमारे आदिवासी भाई है, वो हमारे गैर नहीं है। मैं उसे क्षमा करता हूँ दिल से, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि जो उसके पीछे गैर आदिवासी जो लोग कुछ लोगों का नाम आ रहा है उसे हम किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं, ना ही बर्दाश्त करेंगे लोगों को। देखिए, आज का बैठक में हम लोग यही निर्णय लिए हैं कि जो बकास भुइयारी जो मुंडई जमीन है ये समाज की पूरा आदिवासी समाज की सामाजिक जमीन है जो कि किसी तरीका से नॉन सेलेबल है, ये किसी को कोई बेच नहीं सकता है। आपको समझने और जानने की ज़रूरत है कि CNTAT का धारा 48 में आपको स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूँ, उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है CNTAT का धारा 48 में कि यह ज़मीन कोई लीज नहीं दे सकता है, कोई दान नहीं दे सकता है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया जा सकता है आदिवासी के द्वारा, लेकिन गैर आदिवासी तो संभव ही नहीं है कि उसको ले सके। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह के ये लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर हम लोग FIR करेंगे। ये जो धार्मिक और सामाजिक ज़मीन जो होता है और आदिवासी का जो ज़मीन होता है उस ज़मीन का मालिक खुद स्वयं DC होते हैं, जिसमें हम लोग 46 परमिशन लेते हैं आदिवासी टू आदिवासी जब ट्रांसफ़र होता है ज़मीन। और जो ये लोग दिखा रहे हैं या बता रहे हैं अभी तक किसी ने देखा नहीं है। हम लोग जो विरोध कर रहे हैं ज़मीन ना बिके इसका विरोध कर रहे हैं, तो हम लोगों ने आज तक कोई भी नहीं देखा है कि हाईकोर्ट का क्या डिग्री आया, फाइनल डिग्री, ठीक है। इसमें हाईकोर्ट कभी इंटरफेयर नहीं करेगा क्योंकि ये CNTAT की ज़मीन है और इसका मालिक हमारे DC होते हैं और ये हमारा सिविल यूनिफॉर्म एक्ट से नहीं चलता है। हमारा ज़मीन आदिवासी का ज़मीन CNTAT पे चलता है, छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट पे चलेगा। तो वो अगर डिग्री ले आ रहे हैं, क्या डिग्री लाए हैं तो वो अपने पास रखें। और इतनी हड़बड़ी कौन चाहिए, अगर डिग्री लेके आए हैं तो उसका भी एक प्रोसेस होता है, दखल दहानी होगा, वो सक्षम न्यायालय में जाए, वहाँ एक्सक्यूशन फाइल करे, दखल दहानी का फाइलिंग करे कि भाई हमने हाईकोर्ट से डिग्री लेके आया है, अब हमको चल के मजिस्ट्रेट डिपूट करके फोर्स देके हमको दखल दहानी दिया जाए। ये प्रोसेस होता है, फोर्स का पैसा जमा होगा। ये नहीं कि आप डिग्री लाए, क्या लाए, नहीं लाए, जबकि इतना सामाजिक धार्मिक ज़मीन के लिए आज इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है हर जगह जगह पे, पूरा झारखंड में चल रहा है, तो उनको समझ में नहीं आया कि हम लोग जाएंगे वहाँ तो तुरंत वहाँ पे मारपीट, दंगा फसाद कुछ भी हो सकता है। अब प्रशासन को भी सोचना समझने चाहिए कि जब ये लोग डिग्री लेके गए हैं वहाँ थाना में तो डिग्री के लिए उनको सजेशन देना चाहिए था कि आप लोग जाइए मजिस्ट्रेट लेके आइए, ऑर्डर करा के आइए, हम लोग खुद जाएंगे लालपुर थाना और वहाँ पे हम लोग मजिस्ट्रेट के सामने हम लोग आप लोगों को दखल दहानी देंगे। ये तरीका है, लेकिन कुछ भी कर ले लेकिन नेचर चेंज नहीं होगा। और हमारा ज़मीन का मालिक, व्यवस्था का मालिक DC और कमिश्नर है, ना कि कोर्ट, हाईकोर्ट। हाईकोर्ट खुद इसको एंटरटेन नहीं कर सकता है और जो भी लोग बोल रहा है झूठ और गलत है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।